में ताकि समझ आ सके। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि हमारे पास तीन कैटेगरी के जो है स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम समझाते हैं। एक होते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के, एक होते हैं इंटरमीडिएट लेवल के, और एक होते हैं हमारे पास एडवांस लेवल के। ठीक है, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास वो बिल्कुल बेसिक लेवल के, बिगनर लेवल्स के होते हैं। तो हम उनको जो है वो बिल्कुल बेसिक से, आसान से, और बिल्कुल कहते हैं ना कि समझ आ जाए उस तरीके से हम उनको समझाते हैं ताकि वो फ्यूचर में खुद अपने लिए कुछ कुछ कर सके। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी थीम के ऊपर वर्क करना है कि जो थीम, जो हम काम करेंगे, जो हमारा कोर्स आउटलाइन होगा जिसको हम कंटेंट भी कहते हैं, वो क्या होगा, हमें वो देखना सबसे पहले। ठीक है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गोल्स, यानी कि हम जब ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर चुके होंगे तो उसके बाद हम क्या क्या चीज सीख सीख चुके होंगे, क्या क्या चीज जो है वो हम बना चुके होंगे, उनमें सबसे अहम पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट है उसमें आप देख सकती हैं कि सबसे पहला पार्ट है कि हम बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, क्योंकि ये दो मेन टूल हैं, और ये मेन टूल और सॉफ्टवेयर भी कहते हैं हम, कि विदाउट हैविंग दीज टू ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो हम बेसिकली इन दो टूल्स को, इन दो सॉफ्टवेयर को यूज करके ही ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे और सीख के जो है वो कमांड हासिल करेंगे। ठीक है, तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन के, फोटोशॉप क्या होता है, सिमिलरली इलस्ट्रेटर क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताता चलूं कि ये दो अहम तरीन सॉफ्टवेयर हैं जिसको ओन करते हैं अडोबी। ठीक है, अडोब एक कंपनी का नाम है, और अडोब एक बहुत बड़ी कंपनी है, और उन्होंने जो है वो हमारे लिए जो दो सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें एक फोटोशॉप, ठीक है, इलस्ट्रेटर, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये जो दो सॉफ्टवेयर है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, और उनमें सबसे पहला पार्ट है फोटोशॉप का। ठीक है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट फोटोशॉप। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड जो है वो दूसरा सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर है, जो कि वर्ड निकला है इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन कहते हैं कि किसी भी चीज को जो है बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना, उसको हम कहते हैं इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम इस कोर्स के अंदर सबसे पहला पार्ट जो होगा हम पढ़ेंगे कि फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप किस तरीके से काम करता है, और उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू जो जो हम डिजाइन बनाएंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली फिर बाद में जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है इलस्ट्रेटर, वो कैसे यूज करते हैं और इलस्ट्रेटर के थ्रू हमें क्या क्या चीज बनानी है वो भी हम जो है वो उसमें डिजाइन करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है हमारा, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ओवरव्यू ऑफ टूल्स के, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, टूल्स क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं बेसिकली कि जो जो शेप्स हैं, ठीक है, मार्की टूल्स हैं, हीलिंग टूल्स हैं, पेंट टूल है, डिफरेंट टूल्स होते हैं, उन टूल्स को यूज करके ही कोई भी एक डिजाइन बनाया जाता है, कोई भी एक कॉन्टेंट मेकिंग की जाती है। तो विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ टूल्स, यानी कि टूल्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही है कि टूल्स को यूज करके ही हम कोई चीज बनाएंगे। और जैसे ये होता है कि अगर हम कोई खाना बना रहे हैं तो जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम सारी चीज मिलाते हैं तो फिर खाना बनता है, सिमिलरली टूल्स भी वही किरदार अदा करता है कि हम डिफरेंट टूल्स यूज करके ही कोई भी कंटेंट या कोई भी डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि डिजाइन बनाएंगे तो ये डिजाइन थ्योरी है नेक्स्ट टॉपिक, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। डिजाइन थ्योरी क्या होती है, डिजाइन थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर जो कि हमें पढ़ना होता है, जिसमें लाइक फ्लायर्स होते हैं, ब्रोशर होता है, टेम्पलेट्स होते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग होती है। ठीक है, सिमिलरली सोशल मीडिया पोस्ट होती है, सारी चीजें बनती हैं, तो ये हम डिजाइन थ्योरी कहलाती है। तो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें करना है और किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, बना के और इसके थ्रू हम अर्निंग करेंगे बाद में जो के इन फ्यूचर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं कि फ्लायर्स डिजाइनिंग, ये फ्लायर क्या होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, पहले जरा सर्च कर लेते हैं कि फ्लायर डिजाइनिंग क्या होती है ताकि आपको समझ आ सके कि व्हाट इज फ्लायर डिजाइनिंग।
ठीक है, मैंने जैसे ही फ्लायर लिखा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट में आपके सामने आ गया, और हियर यू कैन सी। अच्छा, डिफरेंट किस्म के फ्लायर्स होते हैं जो कि हम बनाएंगे, जो सबसे अहम पार्ट है हमारे इस सेशन का या हमारे इस कोर्स आउटलाइन का जो हम सीखेंगे। अच्छा, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है सामने, और इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के फ्लायर्स हैं, और ब्राउशर भी कहते हैं इसको। ये बेसिकली फ्लायर्स और ब्राउशर क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्मली स्कूल्स के जो है पम्फलेट्स होते हैं, या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो होते हैं पम्फलेट्स होते हैं, जिसमें उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे होते हो तो अपने बारे में बताते हो कि आप क्या क्या आपके पास स्किल्स हैं, क्या क्या आप जानते हो, तो आप अपने बारे में एक पोर्टफोलियो जनरेट करते हो, और एक जो फ्लायर होता है फ्लायर की फॉर्म में ये हार्ड कॉपी होती है वो शो करते हो, ताकि कोई भी देखने वाला कन्विंस हो सके और समझ सके कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, आप क्या क्या चीज है, किस चीज की नॉलेज है आपके पास, और ये सारी चीजें फ्लायर्स कहलाती है, ठीक है। तो फ्लायर्स है ये भी हम बनाना सीखेंगे, और बहुत आसान है अगर इसमें हम टूल्स की नॉलेज हासिल कर लें तो ये बनाना भी बहुत आसान है हमारे लिए। कोई चीज मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है ग्राफिक डिजाइनिंग, और प्रैक्टिस के साथ ही हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ये चीज डिजाइन करनी है, ठीक है ना। अच्छा, फ्लायर्स के बाद नेक्स्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है लोगो डिजाइनिंग, ठीक है। अच्छा, लोगो डिजाइनिंग क्या होता है, लोगो डिजाइनिंग के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की एक इटसेल्फ फील्ड है, लोगो डिजाइनिंग। और डिफरेंट किस्म के लोगो बना के आप क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो, और उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। लोकल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं आपके, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्लाइंट्स हैं, तो वो उस लिहाज से आप लोगो मेकिंग करते हो और अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या सर्विसेज सेल करते हो, ठीक है। अब किस तरह की डिजाइनिंग होगी लोगो डिजाइनिंग, तो मैंने एक दो जो है खुद बनाया था, तो मैं दिखाता चलूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो आपको कि लोगो डिजाइनिंग क्या होती है। ये बहुत सिंपल सा लोगो आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। ये मैंने बनाया था एलिस्ट्रेटर को यूज करके, एलिस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है और जो के डिजाइनिंग पर्पस के लिए ही यूज होता है बेसिकली एलिस्ट्रेटर, यानी कि हर किस्म के जो लोगो हम बनाते हैं, लोगो मेकिंग जो होती है वो एलिस्ट्रेटर के अंदर ही होती है, ठीक है। जिसको हम बाद में आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एलिस्ट्रेटर क्यों जरूरी है लोगो डिजाइनिंग के लिए और फोटोशॉप क्यों जरूरी नहीं है, तो ये हम दोनों चीज का फर्क जो डिफरेंस है हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से दोनों में क्या फर्क है। तो ये आपके सामने एक छोटी सी डिजाइन आप देख रहे हैं, ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने डिजाइन किया था, ये आई है और ये आर वर्ड है, दो वर्ड है, और इसके सराउंडिंग में जो इसका ओरिजिन इसमें लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये आप भी इस तरह की कोई भी लोगो डिजाइनिंग कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितनी कमांड हासिल कर ली और स्किल्स पर, और साथ ही साथ कितना ज्यादा आपने अबोर हासिल कर लिया, तब जाके कोई भी जो है वो लोगो डिजाइन आप भी कर सकती है। सो इट्स ऑल वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे है नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, वो है साइंस ऑफ यूजिंग कलर्स, के कलर्स को यूज करके हम किस तरीके से अपने कंटेंट को चार चांद लगा सकते हैं, या कलर्स को यूज करके हम कैसे जो है वो एक बेहतर या एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर कहला सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर जब वो कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो कलर मेकिंग उनकी अच्छी नहीं होती, तो कलर मेकिंग का भी खास ख्याल रखना जरूरी है कि किस टाइप का कलर हम यूज करें कि जो व्यूअर्स को और जो देखने वाले को अट्रैक्टिव फील हो और वो देख के थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स यूज करेंगे हम जो कि सिंपल कलर्स हैं। सिमिलरली इन कलर्स में जो कलर थीम के अलावा भी और ऑप्शंस होते हैं वो भी यूज करना, लाइक ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी यूज करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जो है कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे इनर शेडो, आउटर शेडो, ह्यू सैचुरेशन, ये सारी चीजें कलर थीम को डिफाइन करती हैं, जिसको हम जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट जो है जो कवर करना है हमें वो है पोस्ट डिजाइनिंग। अच्छा, ये क्या चीज है पोस्ट डिजाइनिंग, के ना सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर देखा हो आपने, तो वो भी हम डिजाइन करेंगे कि ताकि वो आपको समझ आ सके, ठीक है। जरा सा मैं आपको दिखा दूं एग्जांपल ताकि आपको भी
क्लियरली समझ आए कि सोशल मीडिया डिजाइन टेम्पलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सोशल मीडिया डिजाइन टेम्पलेट्स हैं, तो ये आपके सामने। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली ये भी देखें आप, ये सारे सोशल मीडिया डिजाइन है, और ये सारी चीजें हम इनमें से एक कोई उठा के या कोई भी चीज हम बनाएंगे, सारे सोशल मीडिया डिजाइन है, जो कि नॉर्मली आप सोशल एड्स में देखती होंगी, अक्सर चीजों में नजर आ रहे होते होंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, एक डिजाइन मैंने भी बनाई थी ताकि वो चीज क्लियरली थोड़ा समझ आ सके आपको कि ये डिजाइनिंग भी हमें बनानी है और इस तरह बनाएंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि एक छोटा सा पार्ट है कि जो सोशल मीडिया डिजाइनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये दो पिक्चर हैं जो कि बेसिकली कंपटीशन को शो करते हैं, दोनों को जाहिर कर रहे होते हैं। बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या फर्क है। अब जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, कराची और लाहौर का मैंने फर्क डिफ्रेंशिएट किया ताकि आपको समझ आ सके कि कराची की बिरयानी मशहूर होती है और लाहौर का जो है पुलाव, ये एक फर्क आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट आप बना सकते हैं, और बनाने के बाद उसको इनलाइन कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू भी लोग अर्न करते हैं। तो ये चीज भी हम इन डीप पढ़ेंगे और आगे इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट कहलाता है हमारा फोटो मैनिपुलेशन टेक्निक। ठीक है, ये क्या चीज होती है? फोटो एडिटिंग को कहते हैं बेसिकली, जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि डिफरेंट फोटो एडिटिंग के लिए लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। तो फोटोशॉप बेसिकली बना ही इसी पर्पस के लिए था कि फोटो एडिटिंग की जाए। फोटोशॉप का मतलब ये था कि इसके आप एडिटिंग के लिए यूज करें आप। ठीक है ना, तो मैं जरा दिखा दे रहा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। डिफरेंट फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है, तो फोटो एडिटिंग भी सीखेंगे हम कि किस तरीके से फोटो एडिटिंग की जाती है फोटोशॉप के थ्रू, और किस तरीके से डिफरेंट नॉर्मली हम यूज करते हैं फोटोशॉप को। ठीक है, स्कार्स वगैरह नॉर्मली, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हमें, जो चीज विजिबल हो रही होती है, मार्क्स वगैरह फेस पे जो मार्क्स होते हैं वो भी विजिबल हो रहे होते हैं, तो उस मार्क्स को भी किस तरीके से जो है वो स्ट्रेन करके हटाते हैं या उसको जो हील करते हैं, तो उन सब चीजों के लिए भी फोटो एडिटिंग यूज होती है, जो एक अहम पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ कंटेंट थे जो कि हमने पढ़नी है, और ये सारी चीजें बनाना सीखेंगे हम, और इसको बनाने के बाद ही एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर कहलाया जाता है, और जिसकी मार्केट में वैल्यू है, और इस पर कमांड हासिल करके ही फिर हम जो है वो अर्निंग करेंगे, या इसके थ्रू हम कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ पार्ट है, अब ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब मेन सवाल यह है कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ये ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है पाइथन में? तो बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी आपको अगर आप यूट्यूब में देखें, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म में देखें, तो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डेफिनेशन मिल रही होगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हम चीजों को बहुत जो है वो आसान करेंगे अपने लिए ताकि समझ आ सके कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। ठीक है ना, तो एक छोटी सी जो है वो डेफिनेशन मैंने लिखी है कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, द आर्ट और प्रोफेशन ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन दैट कंबाइंस इमेजेस वर्ड्स एंड आइडियाज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस, स्पेशली टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट। यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन को यूज करते हुए कोई भी कंटेंट बनाना, और उन कंटेंट के अंदर इमेजेस, कोई वर्ड्स, आइडियाज देना, वो सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाती हैं। यानी कि इसको आमतौर पर हम ये कहेंगे बड़े आसानी से कि
कि जैसे एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट क्या करता है, कैनवस के ऊपर मुख्तलिफ कोई सी चीज पेंट करता है। पेंट बनाने के बाद वो चीज विजुअली कंटेंट सामने आ जाती है। जब वो चीज सामने आती है तो वो चीज क्या कहलाती है हमारी, वो चीज हमारी कहलाती है आर्ट। ठीक है, तो सिमिलरली ग्राफिक डिजाइनिंग भी विजुअल कम्युनिकेशन का जरिया होता है, यानी कि कलर्स को, कलर थीम को यूज करके हम कोई भी चीज बनाए तो वो चीज हमारी कहलाती है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल ऐसे भी हम लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी बड़े आराम से, कि नॉर्मली फिल्म्स होती हैं, जो हम फिल्म देखते हैं या कोई भी प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर या कहीं पे भी, तो वो चीज विजुअली हमारे माइंड में आसानी से बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ऐसा डिजाइन हुआ हुआ है कि कोई भी विजुअल चीज होगी, जो चीज नजर आ रही होगी, तो उसको आराम से पिक करता है। ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन कि जो जितनी चीजें होती हैं वो हमारे माइंड पे आराम से अंडरस्टैंडेबल होती हैं, वो समझ आ जाती हैं और वो चीज माइंड में मार्क कर जाती हैं, रादर देन कोई चीज हम वर्बली बोलें या कोई चीज हम वैसे ही बात करें तो वो चीज याद नहीं रहती, अक्सर लोग भूल जाते हैं। लेकिन कोई विजुअल इफेक्ट या कोई कार्टूनिश, जैसे ये आपके सामने कार्टून है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी शो हो रहा है कि ये चीज, जिसमें थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चीज हो सकती है, कोई इंटेरोगेशन है, तो ये चीज आपके माइंड में रहेगी, बजाय इसके ये कोई वर्डिंग हो ऐसी, तो ये चीज माइंड में नहीं रहती, इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग किसे कहते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग के मीनिंग्स क्या होता है। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आई थिंक आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? अब आ रही है क्लियर? चलें, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक क्लियर है, चीजें समझ आ रही हैं यहां तक आपको? बिल्कुल बेसिक की चीजें थी और कुछ बातें ऐसी थी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जरूरी होती है। अभी तो हम इस पे काम करेंगे, अभी तो फिलहाल सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं कि किस तरीके से जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है और क्या क्या चीजें होती है जो कि जरूरी होती है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके अहम तरीन पार्ट पे, जो के कहलाता है इसका एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि जिसको यूज करके एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर कहलाया जाता है। ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि अगर आप इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगी या करेंगे तो इन एलिमेंट्स को यूज करके ही एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर कहलाया जाता है। और अगर कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर आपके किसी कंटेंट को या आपके किसी वर्किंग को देखेगा तो वो इन खास एलिमेंट्स की बुनियाद पर ही जज करेगा कि आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हो या आप एक बिगनर हो। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हम जो है पढ़ेंगे कि इन एलिमेंट्स को माइंड में रखते हुए ही कोई चीज हम डिजाइन करेंगे ताकि वो चीज समझ आ सके बाद में। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट होता है जिसको हमें माइंड में रखना होता है बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, और वो एलिमेंट कहलाती है लाइनिंग। यानी कि हम कोई भी कंटेंट बनाएंगे तो उसमें जो लाइन हम यूज करेंगे वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, व्हाट इज लाइन, लाइन वही चीज होती है कि दो पॉइंट जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइन। ठीक है, डिफरेंट किस्म की लाइन होती है जो हम यूज करते हैं कंटेंट के मुताबिक, जो ग्राफिक डिजाइनर के हम डिजाइनर यूज करते हैं उसके लिहाज से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला क्या है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम यूज करेंगे, डायगोनल लाइन यूज करेंगे, वर्टिकल लाइंस यूज करेंगे। ये वो सारे लाइन है कि जिसको यूज करके हम कोई भी कंटेंट हम बनाएंगे। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कलर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कलर्स की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, कि कलर्स कौन कौन से कलर हम यूज करेंगे, कि कलर्स का इस्तेमाल एक ग्राफिक डिजाइनर को रिप्रेजेंट करता है कि एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर कितने अच्छे कलर्स यूज कर सकता है और उस कलर को यूज करके वो कोई भी कंटेंट बना सकता है। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो कलर्स होती है ना, वो बेसिकली पोर्ट्रे मोड, यानी कि आपने जो चीज बनाई उसके मोड को वो जाहिर करता है कि किस मोड में, यानी कि लाइट है, डेप्थ है, क्या है, ये सारी चीजें उसको शो करती है। ठीक है, अच्छा, और कलर्स के अलावा, ये तो मेन कलर है, सॉलिड कलर जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा और भी कलर्स होते हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनर के इनसाइड ऑप्शंस होते हैं, हम उसमें यूज करेंगे। तो वो कलर्स कौन कौन से होते हैं, सेचुरेशंस होते हैं,
ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, ओपेसिटी होती है, ब्लेंडिंग ऑप्शन जिसे कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लाइन था पहला पार्ट, दूसरा था कलर, तीसरा पार्ट कहलाता है स्पेस। अच्छा, स्पेस क्या चीज होती है? अच्छा, आपके सामने ये एक डायग्राम मैंने बनाई है जो कि शायद आपको नहीं समझ आ रही हो, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। कि बीच में देखें व्हाइट कलर है और उसके सराउंडिंग में ब्लैक है, ठीक है। अब ये ऐसा ही है कि व्हाइट कलर वो कलर होता है कि जिसको जज करना हमारे माइंड को बहुत आसान होता है, ठीक है। यानी कि इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि आप पूरे रूम में अंधेरा कर दें, और अंधेरे करने के बाद अगर एक लाइट या कोई भी लाइट पार्टिकल रूम के अंदर जाएगा, तो वो जो पार्ट होगा लाइट वाला, वो चीज नजर आ रही होगी, ठीक है। तो वो पार्ट हमारी जो कहलाएगी, वो कहलाती है स्पेस पार्टिकल, ठीक है। यानी कि सिंपल से मैं इसकी एग्जाम्पल दूं तो वैसे कि व्हाइट पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, ह्यूमन आई को इजियर टू रीड होता है, यानी कि आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल कैसे, इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान है जो आपको अभी समझ आएगी मामा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रानी आंटी की कॉल ठीक है। अब ये गूगल है जो मैंने इसका इंटरफेस ओपन किया है, और इसके सराउंडिंग में अगर आप देखें तो ये पूरा व्हाइट कलर है, लेकिन सेंटर में जो है वो कोई भी कलर शो हुआ है, यानी कि अगर हम ये सेंटर वाला पार्ट हटा दें तो पूरा ही व्हाइट होगा। तो इस व्हाइट कलर की वजह से हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है वो पढ़ना आसान हो गया, तो इसको हम देख के इजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो व्हाइट कलर को यूज करके जो हमारा माइंड है वो बेसिकली फ्रंट पार्ट को जज करना आसान कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीज कहलाती है स्पेसिंग, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक अहम पार्ट प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट होता है फॉर्म। फॉर्म कहते हैं शेप को, यानी कि किस टाइप की शेप हम जो बनाएंगे। शेप में बहुत से किस्म के शेप्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना है, लाइक इलिप्स होती है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, क्यूबिक होता है, पैरामिड होते हैं। ये डिफरेंट शेप्स हैं जो कि हम कंटेंट के लिहाज से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये डिफरेंट शेप्स, फॉर्म्स, 3D फॉर्म्स, 2D फॉर्म्स, ये सारी यूज करना बहुत जरूरी है, जो कि बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर आपको सीखना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक पार्ट है टाइप। टाइप कहते हैं जो लेटर, जो फॉन्ट हम यूज करेंगे, वो वाला पार्ट कहलाता है टाइप, ठीक है, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग की जबान में कहते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। तो टाइपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जब आप कोई कंटेंट या कोई आइडिया शेयर कर रहे होते हो तो उसमें टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फॉन्ट होते हैं जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है। कुछ फंकी स्टाइल होते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रेट यानी कि सिंपल टाइप जो होते हैं वो हम यूज करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड टाइप होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो टाइपोग्राफी यूज होती है, जो कि आपके कंटेंट को शो करती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक आखिरी पार्ट है जिसको जो कहलाते हैं टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर कहते हैं बेसिकली आपके सरफेस वाला पार्ट होता है, यानी कि जो आपका सरफेस होता है इसको हम फील करते हैं कि वो सरफेस स्मूथ है, रफ है, ठीक है, ग्लॉसी है। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि मैं जरा इसको बताता चलूं कि टेक्सचर क्या होता है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया टेक्सचर डिजाइन, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्सचर को यूज करके हम कंटेंट को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें टेक्सचर कहलाती है, यानी कि किस टाइप की है टेक्सचर है जिसको हम यूज करेंगे एज पर आवर कस्टमर डिमांड, जो कस्टमर या क्लाइंट हमसे मांगेगा उस तरह से हमें जो टेक्सचर होता है अपने कंटेंट का वो हमें रखना पड़ता है, ठीक है। ये डिफरेंट टेक्सचर हैं, ये आपके सामने स्मूथ सरफेस होता है, कुछ थोड़े से रफ होता है, थोड़ा अनइवन होती है, ये सारी चीजें टेक्सचर कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये 6-7 एलिमेंट है, इस इन एलिमेंट्स का खास तौर पर इस्तेमाल करना है, और इसको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि इसको यूज करके ही एक प्रोफेशनल या फुल स्टैक ग्राफिक डिजाइनर कहलाया जा सकता है, जो कि बाद में कोई अगर व्यूअर देखे तो वो समझ सके कि आपका काम एक प्रोफेशनल काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लाइन है नंबर 1, कलर है, ठीक है, स्पेस है, कि जिसको माइंड में रखते हुए हम कोई भी चीज डिजाइन करेंगे, कोई भी चीज क्रिएट करेंगे अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक सो कि चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो समझ आ रहा है आपको, यहां तक सब चीज क्लियर है?
अच्छा, इसको मैं अपने पास रिकॉर्ड कर ले रहा ताकि इन केस अगर बाद में कुछ समझना हो आपको तो आप ये जो है वो इस लेक्चर को देख सकें और देख के जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या चीज़ है। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है और इस ओवरव्यू को ही यूज़ करके हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तो हम प्रोफेसर पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे और फिर इसको आगे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आज तो बिल्कुल बिगिनर क्लास थी, स्टार्ट की थी, तो अभी तो हम फिलहाल यहीं रखते हैं क्योंकि ये चीज आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, एकदम से सारी चीजें समझ नहीं आती ना। तो फिलहाल पहले हम अपने लेक्चर को एक बार ओवरव्यू कर लें, दोबारा देख लें कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीज होती है हम जो है, और उसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे आगे। ये चीज हमने पढ़ी, ठीक है, और हमने एलिमेंट्स पढ़े कि किन एलिमेंट्स को हमें यूज करना है, और कंटेंट बनाते हुए डिजाइन करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है।